कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर। बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ने वाले देश रूस ने भारत के सामने एक बड़ा प्रस्ताव रखा है। रूस ने कहा है कि वह तेल और अन्य सामान डिस्काउंट रेट पर भारत को मुहैया कराने के लिए तैयार है। रूस के इस प्रस्ताव पर भारत विचार करने को तैयार हो गया है। वहीं भारत के लिए ये प्रस्ताव ऐसे समय में सामने आया है जब रूस दुनिया का सबसे अधिक प्रतिबंध झेलने वाला देश बन गया है। यूक्रेन के खिलाफ जंग छिड़ने के बाद दुनिया के अधिकांश देश रूस के खिलाफ उतरे हैं। हालांकि भारत ने बीच का रास्ता अपनाया है और दोनों देशों के बीच शांति वार्ता बहाल करने की अपील की है। रूस पर तेल और गैस सप्लाई का भी प्रतिबंध लगा रखा है। इसे देखते हुए रूस ने भारत के सामने तेल सहित अन्य सामान का निर्यात डिस्काउंट रेट पर करने को प्रस्ताव दिया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के ने रूस के इस कदम की रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है और रूस से रुपया रूबल ट्रांजैक्शन में ये बिजनेस होगा। युद्ध छिड़ने के बाद रूबल वैश्विक मार्केट में तेजी से गिरा है और उसका रेट बेहद निचले स्तर पर चला गया है। भारत अपनी ज़रूरत का 80% कच्चा तेल विदेशी बाजारों से ही खरीदता है। इसमें 2-3% ही रूस से मंगाया जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद दुनिया के बाजारों में तेल के दाम 40% तक बढ़ गए हैं। इस स्थिति में भारत अगर रूस से सस्ते में तेल खरीदता है तो उसका खर्च कुछ कम होगा। रूबल भी अभी निचले स्तर पर चल रहा है, इसलिए भारत को इससे फायदा होगा। तो ये थी बात, भारी प्रतिबंधों के बीच कैसे सस्ते रेट पर भारत को तेल बेचेगा रूस। और ऐसे ही बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।